पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ हमीरपुर के बचत भवन में मनाई गई। इस अवसर पर शिमला मुख्यालय में हो रहे राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया, तो वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करवाई गई। शिमला में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन से लेकर पूरे कार्यक्रम को बचत भवन में लाइव प्रसारण से दिखाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक, हिमाचल प्रदेश सैनिक वेलफेयर डिप्टी डायरेक्टर स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा, एडीसी जितेंद्र सांसडा, एसडीएम चिरंजी लाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा हमीरपुर जिला के सुजानपुर तहसील परिसर भोरंज मिनी सचिवालय में भी विजय दिवस के कार्यक्रम को देखने के लिए पूर्व सैनिक और उनके परिजनों ने दिलचस्पी दिखाई। कार्यक्रम में कोरोना बीमारी से एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाकर ही लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सैनिक डटवालिया ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कोविड की वजह से शिमला जाने का मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन सरकार के द्वारा बचत भवन में वर्षगांठ का कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से प्रसारण करवाया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और आज जो है ऑनलाइन करा रहे हैं शिमला से, और लोगों को इसमें मेडल भी दिए जाएंगे। और कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी, इसलिए हम आज इधर ही बचत भवन में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ऐसे अच्छे स्टेप ले रही है। हिमाचल प्रदेश सैनिक वेलफेयर डिप्टी डायरेक्टर स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि 1971 में हुए युद्ध में भारत की विजय वर्षगांठ के तौर पर कार्यक्रम को कोविड की वजह से वर्चुअल माध्यम से मनाया जा रहा है, और हमीरपुर में भी सरकार के द्वारा इस समारोह के लिए वर्चुअल माध्यम से तैयारी की गई थी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए बचत भवन में पूरी तैयारी की गई थी। जो है विजय दिवस, जो कि 1971 ऑपरेशंस आप सबको पता होगा, जिसमें फिनोमिनल नंबर ऑफ POWs 93,000 POWs इंडिया ने लिए थे, और हमने बांग्लादेश नया एक स्टेट जो है कंट्री बनी थी इस वॉर के बदौलत, तो इसमें जो है हमारे हिमाचल से भी कई शहादत कई लोगों ने दी थी इस वॉर में, तो हम हर साल विजय दिवस स्टेट में मनाते हैं। इस बार कोविड की वजह से जो है हम एक सेंट्रल प्रोग्राम कर रहे हैं जो अन्नाडेल शिमला में हो रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं वहाँ पे, आरट्रैक के जो आर्मी कमांडर हैं, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सैनिक वेलफेयर वहाँ पे रहेंगे, जो लोगों को वहाँ से संबोधित करेंगे। साथ ही मैं वहाँ पे जो है कुछ जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए जाएंगे, और दो एक्सटेंशन CSD एक्सटेंशन काउंटर्स की भी वहीं से इनॉग्रेशन होगी। तो ये आज का प्रोग्राम है, और इसके लिए हमने जो है 24 सब डिविजन्स में स्क्रीन्स लगा के एक्स सर्विस मैन को वहाँ पे स्पेशल इनविटेशन देके जो है वहाँ से वो लोग जो हैं प्रोग्राम देख सकें, आपस में मिल सकें और अपने जो शहीद हैं इनको याद कर सकें, इसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमीरपुर उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने कहा कि शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह सुजानपुर और भोरंज में भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। 1971 में जो हमारा बांग्लादेश वॉर था, उसका आज 50वीं सालगिरह का जो है आयोजन वो हो रहा था शिमला में, और एक सेमी वर्चुअल माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अन्नाडेल के जो वॉर म्यूजियम है वहाँ पे इस स्वर्णिम विजय वर्ष का जो है एक आयोजन जो है राज्य स्तरीय तौर पे वो किया गया, और हम सभी जो है यहाँ से उसी फंक्शन के अंदर जो है वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। यहाँ पे हमारे ज़िला हमीरपुर के मुख्यालय में सब डिवीज़न भोरंज और सब डिवीज़न सुजानपुर में जो है हमने वर्चुअल माध्यम से इस फंक्शन के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला। यहाँ पे हम कुछ जो हमारे वीर नारियाँ हैं और गैलेंट्री अवार्ड विजेता हैं, हमारे जो माननीय जितने एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पे मौजूद हो पाए उनको हमने संपर्क किया और हमारे साथ वो मौजूद रहे, और हमने जिला के यहाँ पे मुख्यालय में जो है राज्य स्तरीय फंक्शन का जो है वो उसके साथ हम जुड़े रहे।